हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मदर्स इन रेसिपी। आज मैं पेड़े की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। ये बहुत ही टेस्टी होता है। जब भी आपको मीठा खाने का मन करे और घर में दूध हो तो आप पेड़ा आसानी से बना सकते हैं। फेस्टिवल में भी बहुत ही आसानी से पेड़ा आप बना सकते हैं। तो चलिए आज हम पेड़े की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। मैंने फुल क्रीम दूध लिया है 1 लीटर। आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब हम गैस ऑन करेंगे, अच्छे से दूध को पकाएंगे। थोड़ी थोड़ी देर में दूध को चलाते जाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो दूध जो है चिपक जाएगा कढ़ाई में। देखिए धीरे धीरे दूध जो है गाढ़ा हो रहा है। दूध अब बहुत गाढ़ा हो चुका है। इसमें हम थोड़ा सा शक्कर ऐड करेंगे। हम आधा कप चीनी का पाउडर ऐड कर रहे हैं। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसमें हम थोड़ा सा इलायची का पाउडर ऐड करेंगे। आधा टीस्पून इलायची का पाउडर हम ऐड कर रहे हैं। अब धीरे धीरे चलाते जाएंगे। देखिए ये खोए जैसा बन गया है। अब हम हाथ में थोड़ा सा घी लगाया है, आप चाहे तो ऑयल लगा सकते हैं। फिर हम पेड़े का साइज देंगे। थोड़ा थोड़ा करके हम ये खोया लेंगे, गोल गोल करके घुमा रहे हैं हाथ के तलवे में लेके। अब उंगली से बीच में दबा रहे हैं। आप कोई भी शेप दे सकते हैं, अपने पसंद का कोई भी शेप जो आपको पसंद हो आप दे सकते हैं। ये बनाना बहुत ही आसान है। कोई भी फेस्टिवल हो तो आसानी से घर में आप बना सकते हैं। घर में कोई गेस्ट आए तो भी आप बहुत जल्दी पेड़ा बना सकते हैं। देखिए इसी तरह से हाथ के तलवे में हमने घी लिया है, उसके ऊपर पेड़े को गोल गोल करके घुमा के उसके ऊपर उंगली दबा के हम पेड़े के शेप दे रहे हैं। इसी तरह से सारे पेड़े हम बनाएंगे। घर में बना हुआ पेड़ा बहुत ही टेस्टी होता है। घर में अगर दूध अवेलेबल हो तो आप कभी भी बना सकते हैं। देखिए हमारा सारा पेड़ा जो है तैयार हो गया है। ये आप फ्रिज में रख सकते हैं तो थोड़ा सा ये हार्ड हो जाएगा। फ्रिज में आप 1-2 घंटे रख सकते हैं, उसके बाद निकल के खाएंगे तो ये थोड़ा हार्ड रहेगा। मेरा चैनल अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू फॉर